Assalamu alaikum, dear students. Kaise ya aap sab? My name is Alam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 5. Bacho humpa chapter number 10, and today we are going to talk about the advantages and disadvantages of print media. So, let's study. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट एडवांटेजेस ऑफ प्रिंट मीडिया चीपेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अब अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो न्यूज़पेपर्स हैं या जो इंफॉर्मेशन प्रिंट की जाती है वो चीप होती है यानी कि सस्ती होती है एज कंपेयर टू द इंफॉर्मेशन कन्वे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सो इट इज़ द चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ती एंड मोस्ट वाइडली यूज और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्योंकि कई घर ऐसे भी हैं जिनमें टीवी नहीं है या रेडियो नहीं है लेकिन वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है इसीलिए इट इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देन अलाउज एक्सपोजर ऑफ़ इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल एक्सपोजर हम कहते हैं किसी चीज़ के बारे में आपको पता लगना उस चीज़ का एक्सपोज होना तो जो प्रिंट मीडिया है वो हमें अलाउ करता है हमें एक्सपोजर देता है इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक बहुत बड़ी तादाद में तो जो प्रिंट मीडिया है वो लोगों की एक बड़ी तादाद को एक्सपोजर देता है यानी कि अगर किसी जगह तक, तक केबल नहीं पहुंच रही या टीवी नहीं पहुंच रहा या इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच रही और वहाँ के लोग न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रिंट मीडिया उन तक इंफॉर्मेशन पहुँचा रहा है पर्सन कैन रीड ए न्यूज पेपर और मैगजीन वेन डिजायर अब अगर टी वी पर कोई ड्रामा लगना है या कोई शो लगना है तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है अगर आप उस टाइम पर बिजी हो या उस टाइम पर आप कोई और काम कर रहे थे आपने वो शो मिस कर दिया तो फिर दोबारा उस शो को देखना मुश्किल हो जाता है देखा जा सकता है इंटरनेट पर, पर फिर इंटरनेट की अवेलेबलिटी होना भी ज़रूरी है और कई शोज़ ऐसे होते हैं जो फिर आपको इंटरनेट पर नहीं भी मिलते लेकिन न्यूज़पेपर मैगजीन्स या जर्नल्स एक ऐसी चीज़ हैं जो आप जब दिल चाहे पढ़ सकते हो मतलब अगर आपने एक आर्टिकल पढ़ा है और आप उसको दोबारा पढ़ना चाहते हो आप दोबारा उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप वो आर्टिकल जब दिल चाहे दोबारा पढ़ सकते हो क्योंकि न्यूज़ पेपर या मैगज़ीन आपके पास मौजूद है जबकि अगर आपने टीवी पर या आपने मोबाइल पर कोई शो देखा है लाइव शो देखा है तो आप उसको उसी वक्त देख सकते हो जिस वक्त वो दिखाया जा रहा होगा बाद में उसको दोबारा देखना मुश्किल हो जाता है कैरी रीच द टारगेटेड कस्टमर्स अब अगर आपने न्यूज पेपर पढ़ा हो तो आप ये नोट करोगे कि कभी कभार एडवर्टिजमेंट्स आई हुई होती हैं इश्तेहार आए हुए होते हैं जैसे कि कार सेलिंग के आए हुए होंगे किसी ने अगर अपना घर बेचना है तो उसके भी इश्तेहार आए हुए होंगे अगर कोई रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो उसके बारे में भी आपको न्यूज़पेपर में पता लग जाएगा यानी कि जो टारगेटेड ऑडियंस होती है जिस ऑडियंस तक लोग चाहते हैं कि मैसेज पहुंचे, उस तक प्रिंट मीडिया के थ्रू मैसेज पहुंचाया जा सकता है कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन भी होती है जिसमें बहुत से नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको टी पर या रेडियो पर नहीं दी जा सकती लेकिन वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाई जा सकती है क्योंकि न्यूज़पेपर आप बहुत ही तसल्ली से बैठ के पढ़ सकते हो या अगर आपने अपना रिज़ल्ट देखना है या आपने कोई नंबर देखना है तो आप ढेर सारे नंबरों में से वो एक नंबर हाईलाइट कर सकते हो जबकि आप टीवी पर ऐसा नहीं कर सकते आप रेडियो पर ऐसा नहीं कर सकते बल्कि हो सकता है कि अगर आपको कोई स्पेसिफ़िक इंफॉर्मेशन चाहिए भी तो उसके लिए आपको पूरा प्रोग्राम देखना पड़े पूरा शो सुनना पड़े जबकि न्यूज़पेपर्स के मामले में या मैगजीन्स के मामले में ऐसा नहीं होता उसमें आपको जो टारगेटेड इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा आसानी से मिल सकती है अब अगला एडवांटेज है स्टूडेंट्स कैन देयर लैंग्वेज एंड नॉलेज। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और स्पेशली आपसे रिलेटेड है न्यूज पढ़ना या फिर बुक्स पढ़ना मैगज़ीन्स पढ़ना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है बच्चों जो कि आपको डेवलप करनी चाहिए गुड रीडर्स आर गुड लीडर्स अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ोगे एक्स्ट्रा रीडिंग करोगे मैगजीन्स पढ़ोगे न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे तो इससे आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ आपके जर्नल नॉलेज में भी इजाफा होगा फिर आप अक्सर देखते होगे कि कुछ पेपर्स होते हैं जैसे सी एस एस के एग्ज़ाम्स होते हैं पी पी एस सी के एग्ज़ाम्स होते हैं पी एम एस के एग्ज़ाम्स होते हैं इन सारे एग्ज़ाम्स में जनरल नॉलेज का या करंट अफेयर्स का एक अलग पेपर होता है उस पेपर को पास करने के लिए ज़रूरी है कि आप न्यूज़ सुनो भी और इसके अलावा आप न्यूज़ पेपर पढ़ो भी तो आपको हैबिट होनी चाहिए न्यूज़ पेपर पढ़ने की तकरीबन आप सब मोबाइल यूज़ करते होंगे आप फेसबुक यूज़ करते हो ट्विटर इंस्टाग्राम स्नैपचैट ये चीज़ें आप यूज़ करते हो लेकिन बहुत ही अच्छा होगा अगर आप न्यूज़ पढ़ना भी शुरू कर दो क्योंकि उससे आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो ग्रेजुअली डिवेलप होती चली जाती है अगर आपको कभी कोई ऐसा एग्ज़ाम देना पड़े जिसमें जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स पर कोई पेपर होना हो तो फिर उस वक्त यकदम न्यूज़ पढ़ने की आदत नहीं पड़ती और आपको न्यूज़ बहुत ही बोरिंग लगेगा लेकिन अगर आप पहले से ये हैबिट डिवेलप कर लोगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा आप कह रहे होगे कि कितना बोरिंग काम है तो उसके लिए भी एक तरीक़ा है ज़रूरी नहीं है कि पूरे का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा जाए आप स्पेसिफिक पोर्शन ही पढ़ सकते हो जैसे कि हर न्यूज़पेपर में एडिटोरियल या ओपिनियन के एक से दो पेजेस होते हैं आप सिर्फ़ वो भी पढ़ सकते हो अगर आप वो आपको वो ज़्यादा लगता है तो फिर आप सिर्फ़ एक आर्टिकल डेली बेसिस पे पढ़ सकते हो यानी कि आप सन्डे का न्यूज़पेपर लगवा सकते हो और आप पूरा वीक रोज उसका एक आर्टिकल पढ़ सकते हो बट ट्रस्ट मी चिल्ड्रन इस हैबिट से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा इन योर फ्यूचर एज वेल न्यूज इज अब प्रिंट मीडिया में जो न्यूज लिखी जाती है उसको ज्यादा सीरियसनेस से कवर किया जाता है क्योंकि उनको ये पता होता है कि ये न्यूज बहुत सी ऑडियंस तक पहुंचनी है और बहुत से लोग इस न्यूज को पढ़ेंगे इसके अलावा ये न्यूज प्रिजर्व भी की जा सकती है मतलब अगर आपने कोई न्यूज़ पढ़ी है कोई आर्टिकल पढ़ा आपको पसंद आ गया तो आप उसको अपने पास हिफाजत से रख भी सकते हो आप वो क्लिप या आप वो जो पेपर का हिस्सा है उसको अपने पास रख सकते हो अपने ड्रॉर में डायरी में फोल्डर में जहाँ आप चाहो तो इसलिए जो प्रिंट मीडिया है उसमें प्रिंटिंग के वक्त ये ख्याल किया जाता है कि न्यूज़ बिल्कुल ठीक हो ऐसा नहीं है कि प्रिंट मीडिया में प्रॉब्लम्स नहीं होती या झूठ नहीं बोले जाते या झूठ के नहीं जाते लेकिन बहुत सा ख्याल भी किया जाता है और ये जो हम कहते हैं कि गलत न्यूज़ है या न्यूज़ को वजह बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है इसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं यानी कि वो जर्नलिज्म जिसमें सच नहीं होता जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स को रोटेट करके या मैनिपुलेट करके बताया जाता है अब हम बात कर लेते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर सिक्स जो आपके आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रिंट मीडिया तो अभी हमने प्रिंट मीडिया के एडवांटेजेस के बारे में बात की आप ये सारे एडवांटेजेस अपनी बुक से देख कर या इसी लेक्चर से देख कर नोट no डाउन कर सकते हो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रिंट मीडिया प्रिंटिंग एंड एंड पब्लिशिंग रिक्वायर्स टाइम प्लानिंग अब प्रिंटिंग में यानी कि न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग में या मैगजीन या जर्नल की प्रिंटिंग में और इसके अलावा इसकी जो पूरी प्लानिंग होती है कि कितना पेपर होना चाहिए पेपर के कितने हिस्से पे कौन सा आर्टिकल आना चाहिए कौन कौन सा आर्टिकल पब्लिश करना है कौन कौन सा आर्टिकल पब्लिश नहीं करना इस सब के लिए बहुत सा टाइम और प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा लोग आर्टिकल्स लिख भेजते हैं और इस चीज़ के ख्वाहिशमंद होते हैं कि उनका आर्टिकल पब्लिश किया जाए इसीलिए बहुत से आर्टिकल्स पढ़े जाते हैं फिर उनमें से चंद आर्टिकल्स चुने जाते हैं और उन आर्टिकल्स को एडिटिंग के बाद पब्लिश किया जाता है तो इस सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है द नंबर ऑफ पीपल बाइंग प्रिंट मीडिया इज़ डिक्रीजिंग अनफॉर्चुनेटली मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे मुल्क में लोगों की जो रीडिंग की हैबिट है यानी कि पढ़ना वो डिक्रीज़ होती जा रही है लोग कोशिश करते हैं कि ख़बरें सुन लें या सोशल मीडिया के थ्रू कोई वीडियो देख लें कोई डॉक्यूमेंट्री देख लें लेकिन उन्हें किताबें ना पढ़नी पड़ें उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना ना पड़े जिसकी वजह से हमारा जो प्रिंट मीडिया है उसका स्कोप भी कम होता जा रहा है लोग अब अपने मोबाइल्स पर ही या लैपटॉप्स पर ही न्यूज़ पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं और न्यूज़पेपर कम से कम यूज़ किया जाता है पब्लिश मटीरियल लास्ट एंड कैन बी प्रिजर्व सो ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड हमने एडवाटिजेज़ में भी ये बात की थी लेकिन ये एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर कोई न्यूज़ है और आपने उसको प्रिजर्व कर लिया है हो सकता है वो न्यूज़ गलत हो या हो सकता है वो न्यूज़ ठीक हो लेकिन फिर वो सबूत के तौर पे रखी जा सकती है अगर आप टीवी पर या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई चीज़ देख लेते हो देख ली वो गुजर गई भूल गए सब लेकिन प्रिंट मीडिया में ऐसा नहीं होता अगर खबर पब्लिश हो गई है आप उसको रख सकते हो आप उसको दूसरे लोगों को उसी वक्त दिखा सकते हो या बाद में दिखा सकते हो तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज भी हो जाता है अगर उस खबर में कोई गलती है तो फिर ये चीज़ भी नुकसान पहुंचा सकती है देन पब्लिशर्स कैन बी बाइस्ट और इनक्यूरेट वर्किंग टू टाइट डेड लाइन्स अब जब न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं तो आपको डेड दी जाती हैं यानी आपके पास लिमिटेड टाइम होता है जिसमें आपने आर्टिकल लिखना होता है तो जो पब्लिशर्स होते हैं यानी कि जो आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं या जो जो आर्टिकल्स लिखते भी हैं दे कैन बी बायस्ड और हो सकता है कि वो वो आर्टिकल लिख रहे सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो किसी एक पार्टी की साइड से लिख रहे हो जबकि अगर आपने कभी लिखने का सोचा तो हमेशा ये याद रखना कि आपने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताना आपने अपने जहन में ये चीज रखनी है कि आप जिस आर्टिकल पर लिखने लगे हो या जिस टॉपिक पर लिखने लगे हो आपने उस पर अनबायस्ड होके लिखना है यानी कि आपने किसी एक पार्टी की या किसी एक फर्द की साइड नहीं लेनी आपने वो लिखना है जो ठीक है जो ठीक लगता है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के अकॉर्डिंगली ठीक है अगर आप वो लिखोगे सिर्फ जो आपको लगता है आप सिर्फ अपना ओपिनियन लिख दोगे तो फिर आपकी बात का वेटेज नहीं होगा और आपकी बात इनएक्यूरेट भी हो सकती है तो न्यूज़पेपर में भी जो बातें लिखी जा सकती हैं न्यूज़ में भी जो बातें लिखी जाती हैं वो इनएक्यूरेट भी हो सकती हैं वर्किंग टू टाइट डेड और ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो पब्लिशर्स होते हैं या जो राइटर्स होते हैं उनको डेड मिली हुई होती हैं तो काम ख़त्म करने की जल्दी में कई बार गलत बातें भी लिखी जा सकती हैं इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती लेकिन उसको पब्लिश करवाने की जल्दी में वो लिख दी जाती है तो ये थे कुछ प्रिंट मीडिया के डिसएडवांटेजेस। बाकी की बातें हम करेंगे कमिंग लेक्चर्स में अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा हाफिज़